वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या गल्फ किसी भी कंट्री में रहते हैं तो ये आपके लिए जो है वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और मैं आपको कुवैत की कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, अलग देश के बारे में भी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, कब कितनी फ्लाइट जो है इंडिया के लिए आ रही हैं और वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो के अंदर दूंगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपको भी मालूम हो सकेगा कुवैत से, दुबई से, यूएई से, जहाँ जहाँ अलग अलग देशों से जो है वो कितनी फ्लाइट है जो है 16 से 23 तारीख तक कितनी फ्लाइट आएंगी। और कुवैत की कुछ बड़ी खबरें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आपको मालूम है, अभी जो है कुवैत सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है, वो ये किया है भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, अभी काफ़ी ज़्यादा लोगों के अंदर जो है भ्रम फैला हुआ है, उन तक गलत न्यूज़ पहुंचाई जा रही है कि ये देश मना कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, कुवैत सरकार ने ये बोला है देश अभी ये मना नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इन्होंने जो है टाइम मांगा है, यानी कि थोड़ा टाइम मांगा है। अभी आपको मालूम है जैसे कि जो अभी इंडिया के अंदर भी लॉकडाउन है, इन देशों के अंदर लॉकडाउन है, तो ये टाइम मांग रहे हैं। जैसे इनका काम बनेगा तो आपको जो है इनको इनके देश भेजा जाएगा जो वहाँ पे नागरिक फंसे हुए हैं। तो ये बड़ी अपडेट थी। कुवैत सरकार का कहना ये है, हमारे कैंप में जो लोग रहते हैं या अलग भी जो रहते हैं उन तक खाना पहुँचाया जा रहा है और कैंप वालों की पूरी देखभाली की जा रही है। तो ये आपका क्वेश्चन जो था वो जो है आपके दिमाग में जो चल रहा था कि भाई हमारी सरकार लेगी नहीं लेगी, वो आपका क्लियर हो गया होगा। अगली अपडेट की तरफ पढ़ते हैं। अगली अपडेट ये है, काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी रहता है कि भाई हमारा जो है क्वारंटीन में खर्चा कितना आएगा, हम इंडिया चले जाएंगे, हमारा टिकट रहेगा नहीं रहेगा। टिकट तो कुवैत सरकार आपको फ्री में दे रही है, कोई भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको इंडिया आने के बाद में क्वारंटीन का पैसा देना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। और इसका एक जो है नोटिस भी पेपर भी आ चुका है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप हैदराबाद का भी आया है, अगर आप हैदराबाद आते हैं कुवैत टू हैदराबाद, तो हैदराबाद का जो है 15,000 आपका रहेगा क्वारंटीन का। और अगर आप होटल में रहते हैं किसी भी तरह के, तो 30,000 आपका 14 दिन का क्वारंटीन का रहेगा, ये आपका जो है चार्ज है क्वारंटीन का। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी भी तरह से आते हैं तो आपका खर्चा तो होएगा, वो आपका क्लियर है। तो ये कुछ अपडेट थी और आप लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आपको मालूम है, अभी जो कुवैत के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो उल्लंघन कर रहे हैं, उसी दौरान कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 21 लोग हैं और इनको सभी को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया है। और ये जो है कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे थे। अगर आप भी इस तरह से कहीं बाहर निकलते हैं, थोड़ा सावधानी बरतिए, मास्क वगैरह लगाइए और टाइम टेबल से निकलिए, बिना टाइम टेबल के बिना फजूल बाहर मत निकलिएगा। और ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसलिए देता हूँ, जो लोग गिरफ्तार वहाँ पर किए जाते हैं, जिनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है, आप लोग बेफजूल में वहाँ पर फंस ना जाएँ और आप पर काफ़ी बड़ा जुर्माना ना पड़ जाए, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ती है। अब बात करते हैं, जैसे कि आपको मालूम है कल फॉरवनिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा केसेस आए, तो वहाँ पे ये मार अफोर्ड रही थी कि भाई इसमें बहुत ज़्यादा केस हैं, मौत बहुत ज़्यादा हुई, तो पूरा जो है सील कर दिया गया है, नहीं कर दिया गया। तो उसके हवाले से मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ पे जो है चेकअप बहुत बड़ी मात्रा में चेकअप लोगों के होने लगे हैं, स्कैनिंग होने रही है, जिसमें कि अभी 2900 लोगों का जो है उसी एरिया में जो है उनका चेकअप हो रहा है, 128 पीपल जो है उनको क्वारंटीन किया गया है। तो अगर आप फॉरवनिया में रहते हैं तो थोड़ा सावधानी बरतिए, बाहर निकलें तो बिना मास्क के हो, बिना काम के तो निकलें ही नहीं, तो आपको प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। वो मैंने आपको बता दिया 15,000 आपका क्वारंटीन का आएगा, 30,000 आप अगर होटल वगैरह में रहते हैं उसमें आएगा। तो अब बात कर लेते हैं जो फ्लाइट वगैरह है। मैंने आपको बताया था फ्लाइट जो है अभी चालू होने वाली हैं और इंडिया सरकार ने शेड्यूल निकाल दिया है, उसका मैं आपको बता देता हूँ। 16 तारीख से 22 तारीख तक, यानी कि 16 मई से 22 मई तक कितनी फ्लाइट आएंगी और कहाँ कहाँ से आएंगी, वो सारी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, फ़्लाइट जो रहेगी ओमान से 8 फ्लाइट आएंगी इस बीच में, और कहाँ कहाँ के लिए आएंगी, बेंगलुरु, हैदराबाद, कन्नौर, दिल्ली, कूची, गोवा, और इन जगहों के लिए जो है ये ओमान से फ़्लाइट आएंगी। अगर आप कहीं भी वहाँ पर रहते हैं तो आप
जी तक आ सकते हैं थोड़ा वेट और कर लीजिए, उसके बाद में शेड्यूल जारी हो चुका है। अब बात कर लेते हैं कुवैत से, कुवैत से जो फ्लाइट है कितनी आएंगी, कुवैत से 3 फ्लाइट आएंगी और जिसमें के तिरुपति और कन्नौर, ये जो है एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये जो फ्लाइट आ रही हैं इनका जो है शेड्यूल अभी जारी हुआ है, डेट ये नहीं आई है कि भाई इस डेट को ये फ्लाइट आ रही है, इस डेट को ये फ्लाइट आ रही है, जैसे वो डेट आती है तो इंशाल्लाह मैं आपको तुरंत बताऊँगा। और फ्लाइट जो है 3 कुवैत से आएंगी, अगर आप कुवैत में रहते हैं तो आप भी बेटेंशन हो जाइए, आपका भी जो है शेड्यूल जारी हो चुका है, वो 16 से 22 तक बीच में ये फ्लाइटें सारी आ जाएंगी। अब अगली बात करते हैं जो है कतर से जो है 6 फ्लाइटें हैं, जिसमें क्या दोहा, कन्नौर, कोची, हैदराबाद, बेंगलुरु, गोवा और विशाखापट्टनम, ये जो है हैदराबाद से हैं और कतर से हैं। अगर आप कतर में रहते हैं तो आपके लिए भी बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि आप लोगों को भी जल्दी लेकर आया जाएगा। उसके बाद में बात कर लेते हैं जो फिलीपींस से हैं, अगर आप वहाँ पे फंसे हुए हैं तो आपको भी जल्दी निकाल के लेकर आया जाएगा, जिसमें सबसे पहली जो फ्लाइट आएगी वो जयपुर के लिए आएगी, दूसरी जो आएगी विशाखापट्टनम के लिए आएगी, तीसरी जो आएगी कोची के लिए आएगी, चौथी जो आएगी बेंगलुरु के लिए आएगी, हैदराबाद के लिए आएगी, और ये सारी जो फ्लाइट आएंगी वो फिलीपींस से आएंगी। ठीक है, अगली जो बात कर लेते हैं, 4 फ्लाइटें जो हैं मलेशिया से हैं, अगले जो चरण है जिसमें वंदे भारत मिशन में जो फ्लाइट आने वाली हैं वो मलेशिया से 4 आने वाली हैं, जिसमें सबसे पहली आएगी अमृतसर के लिए, यानी कि 4 फ्लाइटों के जरिए लोगों को लाया जाएगा लखनऊ टू अमृतसर, यानी कि अमृतसर भी आ सकती है, लखनऊ के लिए भी आ सकती है, डिपेंड करता है वहाँ का जब शेड्यूल जारी होगा तो वो डिपेंड करेगा कि कहाँ के बंदे जाते हैं, कहाँ पर उतारनी चाहिए। कोची टू भुवनेश्वर, यहाँ पर भी आ सकती है, दोनों जगह पर कहीं भी उतार दें, कुआलालंपुर से ये सारी फ्लाइटें चलेंगी। और अगली जो है बेंगलुरु टू अहमदाबाद, इन दोनों जगहों पे कहीं भी उतार सकते हैं, विशाखापट्टनम टू दिल्ली, यहाँ पे उतार सकते हैं। अगली जो फ्लाइट है यूएई से 11 फ्लाइट आएंगी, अगर आप यूएई के अंदर हैं तो यूएई से 11 फ्लाइट आएंगी, जिसमें के सबसे पहली जो आएगी कोची के लिए आएगी, कन्नौर के लिए आएगी, और ये सारी जो आएंगी अबू धाबी से आएंगी, दुबई से आएंगी, और दुबई अबू धाबी से आएंगी। ठीक है, तो विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, मैंगलोरु, कोची और आपका दिल्ली, हैदराबाद, इन जगहों पे जो है फ्लाइट आएंगी। अगर आप किसी भी जगह के रहने वाले हैं तो आप टेंशन मत लीजिए, आपको जो है आने के बाद में क्वारंटीन तो होना ही पड़ेगा, तो आप किसी भी जगह हैं तो आप आराम से आ सकते हैं अपने देश, किसी भी तरह की आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था और जो है फ्लाइट है वो सऊदी अरब, अगर आप सऊदी अरब में फंसे हुए हैं तो सऊदी अरब से भी कुछ फ्लाइटों का ऐलान किया गया है, जिसमें 6 फ्लाइटें जो है सऊदी अरब से आएंगी। कहाँ से आएंगी वो मैं आपको बता देता हूँ, दम्माम में है तो दम्माम से बेंगलुरु टू हैदराबाद, यानी कि दम्माम से जो है बेंगलुरु के लिए भी हो सकती है या हैदराबाद के लिए भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है जब शेड्यूल जारी होगा, जिस टाइम फ्लाइट चालू होगी उस टाइम मालूम पड़ जाएगा। और दम्माम टू कोची के लिए भी आएगी, और इसमें जो विजयवाड़ा, जद्दा से विजयवाड़ा के लिए और हैदराबाद के लिए भी आएगी, और उसके बाद में रियाद से आएगी, कन्नौर के लिए भी आएगी, हैदराबाद के लिए भी आएगी, विजयवाड़ा के लिए भी आएगी। तो ये कुछ बड़ी अपडेट मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ, अगर आप कहीं भी हैं तो आप परेशान नहीं हुए। अगली जो है 2 फ्लाइटें जो आएंगी बहरीन से आएंगी हैदराबाद के लिए, ठीक है, 2 फ्लाइटें हैं बहरीन से आएंगी, अगर आप बहरीन में हैं तो भी घबराइए मत, बहरीन से भी आपके लिए इंतजाम कर दिया गया है, और जैसे ही इनका शेड्यूल जारी होता है तुरंत मैं इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगली जो फ्लाइट है बांग्लादेश से 1 फ्लाइट आएगी, जो आएगी श्रीनगर के लिए। अगली जो अपडेट है वो है सिंगापुर से 3 फ्लाइट आएंगी, सिंगापुर से अगर आप सिंगापुर में फंसे हुए हैं तो सिंगापुर से भी 3 फ्लाइट आई जाएंगी, जिसमें हैदराबाद, अमृतसर और अहमदाबाद टू लखनऊ, इनमें से किसी भी जगह का डिसाइड किया जाएगा कहाँ पे आप लोगों को उतारना है। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं, जो 5 फ्लाइट हैं यूके से आएंगी, जिसमें जहाँ पे उतरेंगी कोची, विजयवाड़ा, वाराणसी, गोवा, अहमदाबाद टू इंदौर, आपका दिल्ली, जयपुर, अमृतसर, भुवनेश्वर, ये आपकी इन जगहों पर उतरेंगी। आपकी 7 फ्लाइटें जो आएंगी यूएसए से आएंगी, वो आपकी जो अहमदाबाद के लिए, हैदराबाद के लिए, अहमदाबाद के लिए,
चंडीगढ़ के लिए, दिल्ली के लिए, बेंगलुरु के लिए, हैदराबाद के लिए, भुवनेश्वर के लिए, दिल्ली के लिए, इन जगहों पे ये फ्लाइट है उतरेंगी। तो ये कुछ अपडेट थी, सोचा कि आप लोगों तक पहुँचा जाए ताकि आप लोगों को भी इस चीज़ की जानकारी हो जाए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल गई, ताकि आपके जो क्वेश्चन माइंड में आते हैं वो पूरे जो है क्लियर हो गए होंगे। और यह अभी जो इंडिया का वंदे भारत मिशन जो चल रहा है, इसके दौरान ये फ्लाइट है जो जारी की गई हैं, 16 से 22 तक कितनी फ्लाइट आएंगी, कहाँ से आएंगी। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचा कि आप लोगों तक पहुँचाई जाए। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।